ओके जय हिंद दोस्तों, मैं यश तोमर, आप हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल भारत माता की जय। चलिए बात करेंगे, आज काफी शॉकिंग न्यूज है आपके लिए हमारे पास। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों सीट इंक्रीज नहीं होंगी और क्यों हमने कल 25 से 27 हजार बोला था। ये सही है कि हमने 25 से 27 हजार बोला था कि 25 से 27 हजार लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और शुरू हो गई हैं व्यवस्थाएं, बट वो सीट इंक्रीज नहीं है। कई छोटे यूट्यूबर हैं, उन्होंने हमारे वीडियो को देख के ये खबर भी फैला रखी है लगातार। कल हमारे पास फोन आए थे, कल लगभग 100-200 फोन आए कि सर आपके वीडियो को देखकर और भी कई यूट्यूबर हैं, उन्होंने खबर फैला रखी है कि सीट इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो आपको मैं बताऊं कि सीट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई है। और एक शॉकिंग न्यूज ये है कि सीआरपीएफ में तो सीट इंक्रीज हो ही नहीं सकती है, उसका मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं हो सकती है। उससे पहले आपको हम बताएं कि ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कि आरटीसी, सीटीसी, एटीसी क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं समझेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि सीआरपीएफ में या किसी भी फोर्स में सीट इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रही है। तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं कि सीट के लिए 25 से 27 हजार किस लिए बोला था, और अगर बोला है तो सीट इंक्रीज नहीं हो रही तो 25 से 27 हजार क्या है। आपको हम बताएं कि जब भी कोई ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए होते हैं। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आरटीसी जिसे बोलते हैं, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, उनमें हमारे पास स्टाफ यानी कि फोर्स के पास स्टाफ वहां अवेलेबल होता है। आपको पीटी कराने वाले, परेड कराने वाले, फायरिंग कराने वाले, ड्रिल कराने वाले, सारे स्टाफ वहां पहले से मौजूद रहते हैं। तो वहां केवल आपकी आवक यानी कि आपकी ज्वाइनिंग की जरूरत होती है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा आप ट्रेनिंग बढ़ जाते हैं, रिक्रूट बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए फिर क्या किया जाता है कि उनके लिए फिर एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाते हैं। जैसा कि सीआरपी हर बार खोलती रही है, कभी 10 कभी 12, इस बार 20 से 22 ट्रेनिंग सेंटर एडिशनल खोलने की आवश्यकता लग रही है कि लगभग 20 से 22 एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। क्योंकि इस बार जो कोरोना के बीच में सीआरपीएफ में कैडर रिव्यू हुआ है, कैडर रिव्यू के बारे में हम अभी थोड़ी देर से बात करेंगे कि कैडर रिव्यू क्या होता है और क्यों सीआरपीएफ में सीट नहीं बढ़ सकते। लेकिन उससे पहले हम आपको ये पॉइंट क्लियर करें कि किस प्रकार से आप सीटों को देख सकते हैं, इंक्रीज नहीं हो रही है तो क्यों हो रही है। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बोला था कि 25 से 27 हजार लोगों की व्यवस्थाएं चल रही हैं, एडम की, रहने की, खाने पीने की, उनकी बैरकों की व्यवस्था हो रही है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए 25 से 27 हजार इसलिए बोला है कि 16 हजार वैकेंसी तो आपकी हैं इस एलडीसी की, सॉरी इस एसएससी की। इस एसएससी में आपकी 15,800 कुछ वैकेंसी है, 16 मान के चलते हैं कि 16 हजार तो आपकी वैकेंसियां हो गई। अब 16 हजार में जो एसएससी 2017 में एग्जाम दिए थे और जिनकी ट्रेनिंग चली थी, जैसा कि मैं एटीसी अगरतला में गया था, अगरतला में आपके एसएससी 2017 का जो बैच चला था उसको मैं ट्रेनिंग देके आया था, तो उस बैच में एसएससी के में भी कुछ टूटे फूटे होंगे जो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए होंगे, कुछ बीमार हो गए होंगे, किसी को कमर में चोट लग गई होगी, किसी का घुटना टूट गया होगा, ऐसे कई होंगे। हालांकि आपका भी बैच चलेगा तो आपके में भी 2-4-10 ऐसे निकलेंगे, 100-200-500 जिनको चोट लगेंगे वो इसके बाद अगले में करें, क्योंकि उनको फोर्स निकालता नहीं है। आपको एक बार अगर ज्वाइन कर लेते हैं फोर्स को, अगर आपको इस तरह की कोई चोट लग भी जाती है शरीर में, बॉडी में कहीं भी, तो आपका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। वो ट्रीटमेंट अगर ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आपको परेड से हटा लिया जाता है, यानी ट्रेनिंग से आपको साइड कर दिया जाएगा, और फिर नेक्स्ट कभी बैच चलेगा तो उस बैच में आपको दोबारा से ट्रेनिंग कराई जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है कि 2002 के भर्ती 2005 में ट्रेनिंग की है, 2015 के जो भर्ती थे उन्होंने 2017 में की है। तो इसी प्रकार जो 2017 में भर्ती हुए थे आपसे पहले वाले एसएससी बैच में, उसमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको चोट वोट लगी होंगी या जो बीमार हो गए होंगे, तो उनकी ट्रेनिंग आपके साथ होगी। तो 16 हजार तो आप मान के चलो, 1,000 और 1,500 वो हो जाएंगे, 17 हजार के समथिंग हो गए। अब जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है उनमें तो ट्रेनिंग देने वाला स्टाफ है, लेकिन जो एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर है वो तो खाली पड़े हैं। तो उसमें आपको ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम 250-300 का ट्रेनिंग स्टाफ चाहिए, जो आपको पीटी कराएगा, परेड कराएगा, ड्रिल कराएगा, फायरिंग कराएगा। तो वो 250-300 का स्टाफ 20 ट्रेनिंग सेंटरों में तो लगभग 4-5 हजार ये हो जाएगा। अब 16 हजार आप, 4-5 हजार ये, अब उनके भी रहने खाने का करना है, फिर उनके बाद आपके लिए नाई, धोबी, मोची, बार बार, सफाई कर्मचारी,
ये लोग भी चाहिए भाई आपके एडम बंदोबस्त के लिए चाहिए ना, जो आपकी लाइन की साफ सफाई करेंगे, आपके लिए खाना बनाएंगे, आपकी यूनिफॉर्म पे प्रेस करेंगे, साफ सफाई रखेंगे आपकी बैरकों की, तो ये स्टाफ भी बढ़ेगा तो लगभग 2-3 हजार ये हो जाएगा। फिर आपके लिए जो गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जो फोर व्हीलर और ट्रक बस उपलब्ध कराए जाएंगे, तो उनका स्टाफ बढ़ेगा, उनके ड्राइवर बढ़ेंगे, उनके फिटर बढ़ेंगे, तो वो भी तो कहीं रहेंगे एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर में, तो वो स्टाफ बढ़ जाएगा। अब उसके बाद क्या बढ़ेगा कि आपके लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी जाएगी, तो हॉस्पिटल स्टाफ बढ़ेगा, आपका सिग्नल स्टाफ बढ़ेगा, आपकी जो पे वगैरह बनाते हैं, पे अकाउंट ऑफिस वाले होंगे, तो वो स्टाफ बढ़ेगा 200 ट्रेनिंग सेंटर पे। तो इन सबको मिलाकर के 25 से 27 हजार हो जाते हैं। मैंने बताया था कि लगभग 25 से 27 हजार लोगों की व्यवस्थाएं होना शुरू हो गया है। वो 25 से 27 हजार मात्र आपकी सीट इंक्रीज नहीं है, वो आपकी 16 हजार जो वैकेंसी थी, 15,800 कुछ वही है, बट इसके अलावा जो ट्रेनर स्टाफ है जो आपको ट्रेनिंग देगा, वो भी तो उन एडिशनल ट्रेनिंग सेंटरों में रहेगा, तो उनके रहने के लिए प्लस आपके रहने के लिए व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, सीट इंक्रीज नहीं है। अब बात करते हैं कि सीट इंक्रीज क्यों नहीं हो सकती। देखिए, सीट इंक्रीज ना होने के दो कारण मैं केवल 99% बताऊंगा, 1% तो मैं भी उसमें श्योर नहीं हो सकता हूं कि 1% आपकी सीट इंक्रीज होंगी कि नहीं, बट मैं जो दलील देने जा रहा हूं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ नहीं हो सकती। ऐसा होता है, सीट इंक्रीज होने का मतलब होता है कि अगर किसी भी प्रकार से सीट इंक्रीज होना और ना होना, इस पे डिपेंड करता है कि उस फोर्स में, चाहे वो सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, कोई भी फोर्स है, कि उसमें कांस्टेबल की पोस्ट कितनी है, तभी तो कांस्टेबल की पोस्ट बढ़ाई जाएंगी, सीट बढ़ाई जाएंगी। अब सीआरपीएफ में कांस्टेबल की पोस्ट नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आपकी भर्ती हुई थी उस समय कांस्टेबल जितने होते थे उसमें 9 कांस्टेबल कम कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ में अभी जो कैडर रिव्यू हुआ है, अभी हाल में ही जो कैडर रिव्यू हुआ है आपकी भर्ती के बाद, उसमें 9 पोस्ट, हर एक कंपनी के लेवल पर देखें तो 9 पोस्ट कम करके उसमें 9 एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बढ़ा दी गई है। अब वो क्योंकि कंपनी की जो नफरी होती है, जैसे कंपनी की नफरी अभी सीआरपीएफ 135 होती है, जिसमें फॉलोअर वगैरह मिलके 126 प्लस 9 135 होता है, तो इस तरह से कंपनी की जो नफरी होती है, उस कंपनी की नफरी में आपकी जो पोस्ट है वो 9 कम कर दी है, यानी कि जहां मान लो 100 सिपाही चाहिए थे वहां अब 91 सिपाही चाहिएगे। अब 91 सिपाही के लिए अगर अब 91 सिपाही के लिए 9 पोस्ट कम हो गई, तो अगर आपकी सीट को इंक्रीज किए देते हैं तो आपको कहां ले जाएंगे, आपको कहां ले जाएंगे। इसके उल्टा अगर कहीं ऐसा होता कि एक कंपनी में मान लो 20 सिपाही हैं और अब उनको जो है कैडर रिव्यू में 20 की जगह 30 सिपाही कर दिए, तो 10 सिपाही एक्स्ट्रा चाहिए, तो हो सकता था कि आपकी सीट इंक्रीज होती, बट अभी तो एक कंपनी के हिसाब से 9 कांस्टेबल को कम कर दिया है, यानी कि एक कंपनी में जितने कांस्टेबल चाहिए उसमें अब 9 कांस्टेबल कम करके उनकी जगह 9 एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बढ़ाए जा रहे हैं। अब अगर वो बढ़ाया जा रहा है तो सीआरपी में 244, 245, 246 करीब बटालियन है, तो इनमें हर बटालियन में देखो पहले कंपनी में इतना, फिर बटालियन में कितना, फिर कितना कितना कम हो जाएगा, तो आप ये मान के चले कि फिर आखिर कम कितना हो जाएगा। तो इस तरह से कांस्टेबल रैंक को कम कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे होंगे कि जब कांस्टेबल रैंक को ही कैडर रिव्यू में कम कर दिया है तो पोस्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पोस्ट तो बढ़ा ही नहीं सकते। अब बात करें ये कि अगर सीआरपी में नहीं बढ़ा रहे तो क्या दूसरे फोर्स में पोस्ट इंक्रीज हो सकती है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर एसएससी दोबारा से अपनी वैकेंसियों को आउट नहीं कर दी, दोबारा से अगर वो खुद को ब्रॉडकास्ट नहीं कर दी, तो चांस थे कि सीट बढ़ सकती है। लेकिन आप सबको जैसे पता होगा कि मार्च में दोबारा आने वाली है, अभी नवंबर में ही उसने परफॉर्मा अपना पेश कर दिया है कि मार्च में वो नई वैकेंसियों को, फरवरी मार्च में जो नई साल आ रही है उसमें नई न्यू वैकेंसियों को दोबारा से जनरेट करेगा, दोबारा फिलअप कराएगा और
फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। तो अगर फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो वो सीट इंक्रीज क्यों करेगा, जब उसे उसका खर्चा उतना ही होना है, उसको पोस्ट उतना ही निकालना है, तो फिर आपकी सीट इंक्रीज बढ़ाने से एसएससी को क्या लाभ हो रहा है? कोई लाभ हो रहा हो तो बताओ भाई। एसएससी जब उसे दोबारा से ही वो चीज लेनी है तो वो क्यों दोबारा आपके सीटें बढ़ाएगा, वो फेयर लेगा वहां पे दोबारा से। तो दोबारा अगर वो फेयर सीट लेता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीटों का इंक्रीज होना लगभग शून्य है, लगभग शून्य है। 100% तो इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कोई भी एसएससी की ब्रांच में या ऑफिस में नहीं बैठा हुआ है, वहां आईजी और एडीजी लेवल के अधिकारी बैठते हैं और उनके द्वारा ही वो सीटें निर्धारित की जाती हैं, उनका रिजल्ट निर्धारित किया जाता है। अगर इस तरह की कोई अफवाह फैला रहा है कि मुझे पता चल गया है, इन्हें पता चल गया है या उसको पता चल गया है, अगर कोई यूट्यूबर इस तरह की खबर फैला रहा है कि सीटें इंक्रीज हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, तो वो महज झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस तरह का किसी को भी पता नहीं चल सकता है कि सीट इंक्रीज हुई है या नहीं। हाँ, जो आइडिया लगाए जा रहे हैं वो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सीआरपीएफ में तो सीट इंक्रीज होने के चांस ही नहीं है क्योंकि कांस्टेबल रैंक के पोस्टों को कम कर दिया है। और मैंने जो बोला था कि 25 से 27 हजार, वो शायद आपने समझने में गलती की या आप क्या समझ बैठे उसे जल्दबाजी में। मैंने बोला था कि 25 से 27 हजार लोगों की ट्रेनिंग की तैयारियां चलने लगी हैं। ट्रेनिंग का मतलब उनके रहने के खाने की तैयारियां, उनके रहने के लिए बैरकों की व्यवस्था होने लगी है, नल पानी बिजली, कहाँ उनका मेस होगा आप लोगों का, कहाँ उस स्टाफ का मेस बनेगा, कहाँ वो लोग रहेंगे, कहाँ आप लोग रहेंगे, कहाँ आप ट्रेनिंग करेंगे, वो ट्रेनिंग एरिया तैयार होने लगा है, वो लाइनें तैयार होने लगी हैं, वो बैरकें तैयार होने लगी हैं, आप लोगों की ट्रेनिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं, व्यक्तिगत सीआरपीएफ में शुरू हो गई हैं। और सीआरपीएफ में शुरू होने का मतलब है सीआरपी की अकेली भर्ती नहीं है, ये एसएससी द्वारा है। तो निश्चित तौर पर आप मान के चले कि आपकी ज्वाइनिंग नवंबर और दिसंबर में आउट हो जाएगी। हाँ, फिर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि फोर्स के पास जैसे जैसे ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे वैसे वैसे वो अपने आप को बुलाता रहेगा। जैसे बीएसएफ वालों को बीएसएफ बुलाएगी, सीआरपी वालों को सीआरपी बुलाएगी, एसएसबी वालों को एसएसबी बुलाएगी, जैसे जैसे उनके पास ट्रेनिंग सेंटर होंगे खाली वैसे वो आपको बुलाएंगे और आपको ट्रेनिंग देना शेड्यूल कर आपके ट्रेनिंग शेड्यूल के अनुसार आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि नवंबर और ये नवंबर के जो 8-10 दिन बचे हैं ये प्लस दिसंबर में आपका फाइनल हो जाना चाहिए। आपके दिल में जो धक धक लगी हुई है वो पूरी हो जाएगी, रिजल्ट निकल जाएगा और उसके बाद जो पास है जो कैंडिडेट उसमें आएंगे उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये था कि सीट इंक्रीज नहीं हुई है, एक बार मैं फिर बता दूं, अगर इस तरह की कोई अफवाह फैला रहा है तो वो महज झूठ बोल रहा है। इस तरह की अभी कोई भी आशंका नहीं है कि इस तरह से किसी भी प्रकार से कि एसएससी ने सीटें इंक्रीज की हैं, जो सीट हैं वही रहेंगी। इतना है कि आपकी ट्रेनिंग जल्द शुरू होने वाली है, इसके चांसेस बन रहे हैं, आसार बन रहे हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो भी ज्यादातर सिलेक्ट हों और अगर जो सीआरपी में आएंगे तो चूंकि मैं खुद सीआरपीएफ में ट्रेनिंग सेंटर में हूं तो कहीं ना कहीं मुलाकात होगी और मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जुड़े रहे हमारे चैनल भारत माता की जय के साथ। जय हिंद दोस्तों एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी से आपकी ये इंतजार खत्म हो और जल्दी से आप एक सैनिक के रूप में पेश हो। जय हिंद।